हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रवि राठौर। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज एक जबरदस्त इस सेशन को। प्यारे बच्चों, टॉपर्स टॉक को आज एक और हमारे साथ स्टूडेंट है, इसका आज हम सेकंड राउंड कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, तो देखते हैं किस तरीके से ये फर्श से अर्श तक अपने पहुंचे हैं, इनका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या 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 इन्होंने किया, क्या है डूज क्या है डोंट्स। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं। सो हेलो करण, हाय, हाउ आर यू बच्चे, आप कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए। हाँ करण, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो करण ने अभी 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 एमटीएस से इनका सिलेक्शन हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इनको ये मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इन्होंने सफलता पाई है। प्यारे बच्चे, तो करण सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस राउंड में, प्यारे बच्चों, इस इवेंट में। और दूसरा, मैं चाहूंगा कि आपके थ्रू बाकी सारे जितने भी जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इंस्पिरेशन मिले, आप कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बच्चे। बिल्कुल सर, तो करण, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, फैमिली में आपके क्या क्या हैं, सब लोग प्लीज एक बार बताएं। सर मेरा नाम करण माहौर है और जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो यूपी बोर्ड से हुई है सर। अच्छा जी, लास्ट 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। उसके बाद फिर मैंने जो ग्रेजुएशन के बाद फिर पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था सर। फिर जी बिल्कुल बिल्कुल। पेंडेमिक में जब हमें टाइम मिला तो उसमें हमने देखा कि मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं है, तो लाइफ काफी मतलब कि मुश्किल है। तो उसी दौरान फिर हमने प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट करा था। आपके घर में हमारा कौन कौन है मतलब बच्चे, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पिताजी सर, मेरे क्या घर में करते हैं, मदर क्या करती हैं? मेरे घर में हम चार भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, पापा मेरे वर्कर्स हैं, मिस्त्री हैं, अच्छा। घर वगैरह बनाते हैं। तो बच्चे का काफी बैकग्राउंड कोई बहुत ज्यादा इनका हाई फाई नहीं है, बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड से हैं। और इस बच्चे को लगभग मैं 3 साल से पिछले जानता हूं, बहुत ही ज्यादा डिटरमिंड है, बहुत ही ज्यादा संकल्पित है, दृढ़ संकल्प है और बहुत मेहनत इस बच्चे ने की है। तो प्यारे बच्चों, मैं करण, मैं ये जानना यहाँ पर चाहूंगा कि तुम इस एग्जाम के लिए तुम्हें कहाँ से गाइडेंस मिली, तुमने कहाँ से स्टार्ट किया, कि कोई साथ में कोई ऐसा परिवार में कोई ऐसा था कि भाई उन्होंने आपको बताया, उन्होंने आपने देखा कि किस तरीके से, या कैसे कैसे आपको इसके बारे में पता लगा कि मुझे SSC में ये एग्जाम निकालना है, कॉम्पिटिशन करना है मुझे ये वाला? सर, फैमिली में तो बेसिकली कोई नहीं है, रिलेटिव्स में दो तीन लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको देखा करते थे, उनकी लाइफ काफी अच्छी थी, हमसे कई गुना बेटर थी सर। तो हमने सोचा कि हमने भी मेहनत करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करा। फिर आपसे मुलाकात हुई सर पेंडेमिक के दौरान ही, आपसे मतलब कि SSC के बारे में हमने सुना था सर। तो शुरू में तो SSC प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू करा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक बात है। फिर मतलब कि इंग्लिश आपसे पढ़ना स्टार्ट करा, थोड़ा थोड़ा सीखा उससे। तो करण आगरा से है, काफी रूरल से है ये बच्चा, तो इसने बिल्कुल सिद्ध कर दिया, इफ देयर इज अ विल, और विल भी कैसी, जेन्युइन जेन्युइन विल, जेन्युइन डिजायर, इफ देयर इज अ जेन्युइन डिजायर, जेन्युइन विल, देयर इज अ वे। तो करण, ये तुम्हारा कौन सा पहला अटेम्प्ट था, या तुम बच्चे अपनी पूरी बताएं मेरे को किस तरीके से, काफी फेलियर्स भी तुमने देखे हैं इस दौरान? सर, इससे पहले मैं CPU SSC CHSL CGL दे चुका था सर, उसमें मतलब कि क्वालिफाई नहीं हुआ था। एमटीएस लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरा क्वालिफाई हुआ, और उसमें मैं फाइनल तक भी पहुंचा, और ये मेरा मतलब कि फाइनल सिलेक्शन भी हुआ सर जिसमें। तो जैसा कि बच्चा बता रहा है कि CHSL में वो कुछ नंबर से रह गया, कहीं 1 नंबर से, कहीं 2 नंबर से, उसके बाद CPO SSC लेता है, CPO SI वाला एग्जाम, उसमें भी थोड़ा सा ये बच्चा रह गया। लेकिन देखिए, उसके पास गाइडेंस भी नहीं है प्यारे बच्चों, उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, उसके पास पिताजी घर में जो राजमिस्त्री होते हैं, जो घर बनाते हैं, इस तरीके का बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी उसकी पॉजिटिविटी का लेवल देखिए,
और उसका ग्रिम डिटर्मिनेशन वो माना नहीं। प्यारे बच्चे मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या फॉर्मूला रखना चाहिए हमें अगर हमें एसएससी की जॉब निकालनी है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर बेसिकली तो हमें मतलब कि एक मतलब कि प्लानिंग से पढ़ना चाहिए, जो मतलब कि हर डेली मतलब कि हर दिन का एक प्लान होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाने चाहिए सर, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए। करण, कोई ऐसी एक आप अनअकैडमी के साथ कब जुड़े बच्चे? अनअकैडमी पर आप कब जुड़े? अन अकेडमी में सर मैं जुड़ा था 2020 में। अच्छा, 2020 में आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, जी कितना फायदा हुआ प्यारे बच्चे? आपको क्या लगता है उसके बारे में, क्या आपका फीडबैक है? सर उससे फायदा तो बहुत हुआ था सर, क्योंकि वहां पर मतलब कि वो एक सागर है सर, वहां पे मतलब कि बहुत कुछ मिल सकता है, वैरायटी मिल जाती है, इतने सारे इंडिया के टॉप लेवल के इंग्लिश टीचर्स हैं, बाकी जगह पर इंग्लिश आप एक बैच से जुड़ते हैं, कुछ टीचर्स से हैं। जुड़ते हैं, यहाँ पर पूरा आपको पूल ऑफ टीचर्स मिल जाता है, तो काफी बिल्कुल फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर। और करण, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, कौन सी ऐसी एक क्लास है मेरी जिसने आपको सबसे ज्यादा फायदा किया, आपको लगता है कि वो क्लास बिल्कुल गेम चेंजर है? आपकी मैराथन हुई थी तो वो मैंने करी थी, तो उससे काफी मेरे को हेल्प मिली थी। और और दाहिना के एक बारे में आपकी आप क्या द कहेंगे? हिंदू द हिंदू शो चलता था सर, उसमें जो बुकें हुआ करती थी वो काफी हेल्पफुल रहती थी हमारे लिए। यस द हिंदू आपने रेगुलर किया है, मैंने देखा है आप सर, रहते हैं मैं उस रेगुलर क्लास, किया था उसे, और उससे आपको फायदा हुआ बच्चे? बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा फायदा हुआ उससे, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा करण, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या क्या ऐसी चीजें, जैसे बाकी सारे बच्चों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया ये वाली बुक लगाइए, ये वाली क्लास लगाइए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, मैं आपसे कुछ और जानना चाहूंगा प्यारे बच्चे, क्योंकि 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस है, मैं ये जानना चाहूंगा, मुझे डूज की जगह कुछ बच्चों को डोंट्स बताइए, क्या क्या चीजें नहीं करनी जहां उसका टाइम खराब हो रहा है, या ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे उसे बचना चाहिए? सर आज के टाइम में जो डोंस है वो ये है कि सर सबसे पहले तो सोशल मीडिया से बहुत दूरी बनाए रखनी चाहिए, बड़ी क्योंकि बात, बड़ी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा क्या क्या कर सकते? इसके अलावा सर मतलब कि अपने मतलब कि लाइफ में कुछ मतलब कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो हमेशा मतलब कि हमें हर टाइम सपोर्ट करें, जो हमें मतलब कि बताए कहाँ मतलब कि हाँ ये सही है ये नहीं, ऐसे फ्रेंड नहीं होने चाहिए जो मतलब कि आपको कुछ और ही डिमोरलाइज हो। करें, आपको गलत रास्ते पर ले जाएं, नेगेटिविटी की तरफ आपको ले बिल्कुल जाएं, बिल्कुल बिल्कुल आप और आपका जो भी पार्टनर है, जो भी आपका फ्रेंड है, उसकी टारगेट सेम होने चाहिए, एम ठीक, एम सेम होना चाहिए, क्योंकि संगत का बहुत ज्यादा असर होता है हमारी सफलता और असफलता में। बिल्कुल ठीक बात है करण। करण, कोई एक ऐसी चीज जिसने आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि भाई कोई एक पर्सन जिसका जिसने आपका रोल मॉडल रहा और आपको लगा कि भाई उनसे बड़ी पॉजिटिविटी मुझे मिली? सर, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो आप ही हो सर मेरी लाइफ में, क्योंकि आपने ही बताया था सर कि मतलब कि एग्जाम लिख लेगा और वो किसी भी कीमत पे लिख लेगा, ठीक बात है, ठीक बात है, आप हमेशा सपोर्ट करते थे सर। ठीक बात है। तो बच्चे के दौरान देखो, एक बहुत बड़ी चीज पता क्या होती है, फाइनेंशियल तो चलो कहीं ना कहीं से बच्चा कर लेता है या परिवार कर देता है, लेकिन उसे एक मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। जब वो टूट रहा होता है अंदर ही अंदर, जब वो घुट रहा होता है, उसको ऐसा लगता है यार कि मैं नहीं कर पाया, मैं 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, एक्चुअली वो एक ऐसा टाइम होता है जहां से 2 रास्ते बनते हैं, एक जो हमें कहीं अंधकार में पीछे बैक में ले जाएगा और हम क्विट कर देंगे, लीव कर देंगे, और एक वही स्टेज होती है कि जहां से हमें एक बार दोबारा कम बैक करना होता है, एक बार दोबारा पुश करना होता है। मेरे हिसाब से ये इस तरीके से है। करण, और कौन कौन से एग्जाम अभी आपने डाले हुए हैं और उनका कहां पर क्या चल रहा है अभी फिलहाल? सर सीजीएल का मेरा फाइनल स्टेज हो चुका है, डीबी वगैरह हो चुका है अभी 2021 वाला, सीएचएसएल भी अभी चल ही रहा है, फाइनल स्टेज पर है।
तो देख रहे हैं आप, पिछले दो बार वो एक बार सीएचएसएल में एक दो नंबर से रह गया, एक बार सीपीयू में रह गया, फिर एमटीएस निकाल दिया, और अभी भी माना नहीं है, अभी भी रुका नहीं है, थमा नहीं है, अभी देखिए सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके का जो डिटर्मिनेशन है, जो पॉजिटिविटी है, जो कंसिस्टेंसी है, वही चैंपियंस की पहचान होती है मेरे अकॉर्डिंग, वही किसी को चैंपियन बनाती है। ठीक बात है, बिल्कुल। करण, एक दो चीजें और मैं जानना चाहूंगा, जैसे इसमें किस तरीके से बच्चे को अपना टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कई बच्चों का ये बड़ा परेशानी रहती है, सर टाइम ही नहीं मिलता, मैं इतना टाइम मेरा इसमें चला जाता है, इतना टाइम। तो इस पर कुछ टाइम टेबल के लिए कुछ ऐसे पॉइंट बताएं, कुछ ऐसे स्टेप्स बताएं कुछ, जिनसे बच्चे को फायदा हो, कैसे शेड्यूल करना चाहिए उसको अपना टाइमिंग। सर अब तो एसएससी का सर पैटर्न भी चेंज हो गया है। अब तो चारों सब्जेक्ट मतलब कि इक्वली इम्पोर्टेंट इक्वल है, इंपॉर्टेंस हो गई है, ठीक बात है। तो उसको देखते हुए सर मतलब कि अब तो चारों सब्जेक्ट पे ही मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेंस में भी चारों आने लग गए हैं, पहले तो दो ही हुआ करते थे, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक बात है, पहले मैथ्स और इंग्लिश को ज्यादा वेटेज थी, इंग्लिश को बहुत ज्यादा वेटेज थी, क्योंकि वो टीयर थर्ड में भी आ जाता था एग्जाम में, राइटिंग में। लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक बात है, आपको चारों ही सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस ठीक होना चाहिए। करण, तुम्हारे हिसाब से सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है? सर सबसे ज्यादा अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश है सर। इंग्लिश और मैथ्स दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मतलब कि काफी ज्यादा स्कोरिंग है। और अब तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कि सर तीसरा सब्जेक्ट भी आ गया है जो रीजनिंग काफी स्कोरिंग रहता है, मोस्टली बच्चे रीजनिंग उसमें आउट ऑफ कर ही देते हैं सर, वो काफी स्कोरिंग हो जाता है, रीजनिंग काफी, रीजनिंग में बच्चे का इंटरेस्ट भी जुड़ मोस्टली आउट जाता कर है। देते हैं सर। हाँ, रीजनिंग लगभग पूरे में से मतलब पूरे नंबर ही ले ले लेते हैं, लगभग एक आधा नंबर कटा तो कटा है ना। तो रीजनिंग तुम्हारा क्या, तुम्हारा मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, तुम्हारा कमजोरी क्या थी, तुम्हारी वीकनेस, और तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या था, स्ट्रेंथ क्या थी? सर मेरी जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरा सबसे वीक पॉइंट था वो इंग्लिश ही था सर, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से थे, हमारा बैकग्राउंड यूपी बोर्ड से था, तो हमें काफी डर लगता था इंग्लिश से। तो फिर मेहनत करी उस पर, आप साथ में थे, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई और अब वो काफी सही हो गई है सर। पहले तुम्हें तुमने बेसिक्स वगैरह इस तरीके से पढ़ा था जैसा तुमने क्लासेस में देखा मेरी, बाकी चीजें विदाउट रूल नंबर, विदाउट बिल्कुल बिल्कुल रेक्टिफिकेशन, उसके बारे में कुछ बताएं। सर, जैसे कि बहुत से टीचर होते हैं कहते हैं ये रूल हो गया, वो रूल हो गया, आपके क्लास में ऐसा नहीं होता था, आपका भी बहुत रिलैक्स मतलब कि आराम आराम से पढ़ाते थे, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करते थे सर, और बिल्कुल जब तक एक चीज क्लियर नहीं हो जाती थी उससे पहले आप आगे नहीं बढ़ते थे। तो वो एक पूरा वो डीपली आपने मतलब कि वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाते थे सर, आप चाहे कोई भी टॉपिक हो गया। ठीक बात है करण, थैंक यू ऐसा बोलने के लिए, ऐसी फीलिंग्स रखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अल्टीमेटली इसका श्रेय करण को ही दूंगा, क्योंकि भाई कम से कम उसका लेवल देखिए, कितने लोअर लेवल से आया, और फिर उसने अपने आप को किस तरीके से सिंक्रोनाइज किया, कैसे कैसे उसने वहां पर मतलब कंपैटिबल मतलब वो बना, मतलब कितनी कोशिश रही, कितना सेक्रीफाइस रहा उसका। तो करण, बिल्कुल मैं इस पर तुम्हें बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा प्यारे बच्चे, और साथ में बेस्ट ऑफ लक, अभी तुम्हारा सीएचएसएल भी है, सीजीएल भी है, और मैं ऐसा मानता हूं प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे तरीके के बच्चे होते हैं, वो उनकी मंजिल अभी बहुत है, अभी उनके पास बहुत कैपेबिलिटीज है, और अभी वो बहुत कुछ बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे बच्चे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करण आपका, आपके इस इंटरव्यू से सब बच्चों को काफी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, ऐसे ही बच्चे जिनको हम गुदड़ी के लाल बोलते हैं, गुदड़ी के लाल का मतलब है, एक बुक भी मैंने पढ़ी हुई थी, गुदड़ी के लाल का मतलब है जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, जिसके पास कोई जरिया नहीं है बेचारा, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, और अपने डिटर्मिनेशन से कामयाब हुआ है। सो करण, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, आपके जितने बाकी एग्जाम्स भी हैं, हम चाहेंगे उन सब में भी आप टॉप करें, और वो सारी चीजें भी आप एकदम कामयाब हो। थैंक यू बच्चे, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर, थैंक बाय बच्चे, टेक केयर। यू, ओके सर।